So let us take this example. The disintegration rate of a certain radioactive sample at any instant is how much? 4750 disintegration per minute. Okay, so this is given to us. 5 minutes later, the rate becomes this. So the rate is changing, right? Rate is changing, that means the number of radioactive nuclei is changing. Rate is decreasing, that means because the rate is directly proportional to the number of radioactive nuclei. So rate is decreasing, that means the radioactive nuclei is decreasing. So we'll use the modified form of the rate, that is A is equal to A naught 2 raised to minus T by T half. Okay, we'll use this. All right. So we can see here that the rate, initially the rate which is given to us is 4750, right? So this is 4750 and this is 2700. So we will use this. 2700 is equal to 4750 into 2 raised to minus t. So the time here is 5 minutes. मतलब ये सब 5 मिनट में हुआ, divide by t half. So from here we'll get t half. It's very simple. So 2700 by 4750 is equal to 2 raised to minus 5 by t half. This will be 4750. इसका reciprocal ले लो. We have 2 raised to 5 by t half. और इसके बाद आपको log लेना है, तो log of 4750 by 2700, this will become 5 by t half into log 2. So t half will become, ऐसे ही किया ना सबने? Yes sir. Yes sir. Okay, very good. Yes sir. तो इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा, यू विल गेट 6.14 मिनट्स. दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड, राइट? क्योंकि तीनों का फॉर्मूला एक ही है, चाहे मास यूज करो, चाहे रेट, चाहे एन. ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. So let us take another question here. A radioactive sample contains equal mass of each of two substances A and B. So एक radioactive sample है, उसमें A है और B है. इसका mass m, इसका mass m. ठीक है? और half life दिया आपको 4 second और 8 second. तो t half A का, जिसको हम t a बोल देते हैं, वो दिया है 4 seconds. और हाफ लाइफ बी का दिया 8 seconds. The atomic weights are in the ratio of 1:2. तो अगर हम ए का एटॉमिक वेट एम ए ले ले और बी का एम बी ले ले, तो एम ए बाई एम बी जो है वो हमको 1:2 दिया है. ठीक है, तो ये सब चीजें दी गई है और पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ ए इज टू बी, न्यूक्लियस ऑफ ए इज टू बी, यानी आपको एन ए बाई एन बी निकालना है आफ्टर टी इज इक्वल टू 16 seconds. इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दिस एन नॉट ए. सो व्हाट विल बी एन नॉट ए? एन नॉट ए विल बी मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय the atomic mass. So let this be, you know, ma, and the atomic mass hai usko hum log ye atomic weight jo hai usko capital m se represent kar lete hain, capital m se. So hoga ma by ma, aur n not b kya hoga? Wo hoga mb by m. आपने रेशियो लिया इन दोनों का तो क्या मिलेगा आपको? अगर आपने रेशियो लिया
n naught a by n naught b का रेशियो लिया तो आपको मिल जाएगा, ये मास से मास तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का मास सेम है, आपको मिल जाएगा मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट ऑफ बी बाय एटॉमिक वेट ऑफ ए। ये रेशियो आपको 1:2 दिया है तो ये हो जाएगा 2:1, तो ये इनिशियल रेशियो आ गया यहां से, ठीक है। अब हमें फाइनल रेशियो चाहिए, फाइनल रेशियो क्या होगा, फाइनल रेशियो होगा एन ए का फॉर्मूला होगा एन नॉट ए 2^-t/t½ यानी टी ए, पर एन बी क्या होगा एन नॉट बी 2^-t/t½ ऑफ बी, ठीक है। तो अब आपको इसमें से वैल्यूज पुट करने, यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज इन दिस, ठीक है। टाइम जो दिया 16 सेकेंड्स दिया है हम लोगों को, तो लेट्स पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, ओके। तो यहां से आपको एन नॉट ए एन नॉट बी जो है इसका रेशियो पता है, इसका रेशियो 2:1 है, तो ये हो जाएगा एन ए बाई एन बी इज इक्वल टू, ये 2 हो गया और ये हो गया 2^-16, पहले वाले का हाफ लाइफ है 4 और दूसरे वाले का हाफ लाइफ है 8, ठीक है। तो यहां से आपको एन ए बाई एन बी मिल जाएगा 2 × ये 4 जा और ये 8 2 जा, ये हो जाएगा 2^-4 डिवाइड बाई 2^-2, तो क्या आएगा फाइनल आंसर, बहुत सिंपल है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा एन ए, क्योंकि आपको इनिशियल ये नंबर निकालना बहुत जरूरी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो है ये निकालना बहुत जरूरी है। तो ये 2, ये ऊपर जाके हो जाएगा 2^-4+2 मतलब 2 × 2^-2 2 × 1/2² मतलब हाफ, समझ में आया सबको, हेलो स्टूडेंट्स, यस सर, ओके सो प्लीज नोट इट डाउन।